ओके सो ये सेशन में हम लैब देखेंगे ऑफ वीपीसी नेट गेटवे का। हम लोगों ने प्रीवियसली वीपीसी का डेमो देखा था जिसमें हम लोगों ने एक पब्लिक सबनेट कनेक्ट क्रिएट किया था एंड उसके बाद हम लोगों ने EC2 इंस्टांस पे उस वीपीसी के साथ उसको क्रिएट किया था इंस्टांस को। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सिनेरियो है वो देखिए, पहले सिनेरियो को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो वीपीसी क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो सबनेट बनाने हैं। वहाँ पे हम लोगों ने एक सबनेट बनाया था जो पब्लिक सबनेट था, यहाँ पे हमें दो सबनेट बनाने हैं, दैट इज पब्लिक सबनेट एंड एक बनाएंगे हम लोग प्राइवेट। हम यही रेंज देंगे 10.0.0.24 एंड 1.0.24, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों जो प्राइवेट सबनेट हैं, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सबनेट हैं, इसमें हम लोग EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे दोनों सबनेट के थ्रू, एक एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। और जो पब्लिक सबनेट है वहाँ पे देखिए, हम जो कस्टम राउट टेबल क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द गेटवे, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सबनेट है वहाँ पे आपका गेटवे नहीं रहेगा उसके कस्टम टेबल में, मतलब कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो जो हम फीचर यूज़ करेंगे दैट इज़ द नेट गेटवे। सो यहाँ पे नेट गेटवे के थ्रू हम प्राइवेट सबनेट पे जो इंस्टांस क्रिएट करेंगे वो नेट गेटवे के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा विद द इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे जो नेट गेटवे हम लोग क्रिएट करेंगे वो नेट गेटवे हम लोग पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट करेंगे, ओके। सो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट में जो EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे उसको एक्सेस करेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग इसका रिमोट लेंगे एंड देन इसको हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट कराएंगे आफ्टर क्रिएटिंग द नेट गेटवे। सो आपको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझेगा एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। जो वीपीसी क्रिएट करने के स्टेप्स है वो प्रीवियस जो हम लोगों ने डेमो देखा सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। वीपीसी क्रिएट करना है, सबनेट क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक सबनेट क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे हमें दो सबनेट क्रिएट करने हैं। उसके बाद हमें इंटरनेट गेटवे करना है एंड उसको अटैच करना है टू द वीपीसी, देन हमें राउट टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे दो राउट टेबल बनेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में हम उसे सबनेट एसोसिएट करेंगे और प्लस उसको राउट टेबल में उसकी हम इंटरनेट गेटवे के साथ वहाँ पे हमें रूट प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करे। बट जो हम प्राइवेट सबनेट रूट टेबल है वहाँ पे सिर्फ हम सबनेट को एसोसिएट करेंगे बट हम रूट प्रोवाइड इनिशियली नहीं करेंगे एंड उसके बाद हम लोग EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे एंड दो EC2 इंस्टांस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट। देन हम पब्लिक EC2 इंस्टांस को एक्सेस करेंगे, फिर वहाँ से हम रिमोटली एक्सेस लेंगे प्राइवेट इंस्टांस को। तो ये है हमारा सिनेरियो ऑफ टुडे सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं तो ही हमें ज़्यादा क्लियर समझेगा। सबसे पहले वीपीसी पे चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वीपीसी में रीजन में एक वीपीसी ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है, तीन सबनेट होते हैं, देन राउट टेबल होता है, इंटरनेट गेटवे होता है। तो हमें अभी डायरेक्ट वीपीसी क्रिएट करना है तो लेफ्ट में यहाँ पे ऑप्शन है योर वीपीसी, क्लिक कर दो। सो यहाँ पे हम लोग ऊपर देखिए ऑप्शन है क्रिएट वीपीसी, तो सबसे पहले हम वीपीसी क्रिएट करते हैं, वीपीसी डेमो, ओके। यहाँ पे हमें आईपी देना है 10.0.0.16 एंड बाकी सब ऑप्शन हमें डिफ़ॉल्ट रखनी है एंड सिंपली क्लिक कर देना है क्रिएट पे, क्लोज। सो हमारा वीपीसी क्रिएट हो गया, यू कैन सी द ऑप्शंस, उसके डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सबनेट। अभी हमें कितने सबनेट बनाने हैं, हमें दो सबनेट बनाने, एक हमें बनाना है प्राइवेट, एक हमें बनाना है पब्लिक। सो पहले हम बना लेते हैं पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट, ठीक है। वीपीसी चूज़ करना है जो आपने वीपीसी क्रिएट किया था, अवेलेबिलिटी जोन ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें देना है 0/24, ठीक है, एंड क्लिक कर दो क्रिएट पे। आपका जो पब्लिक सबनेट है वो क्रिएट हो गया, अभी हम बनाएंगे प्राइवेट सबनेट। सो उसके लिए प्राइवेट हाइफन सबनेट एंड वीपीसी को चूज़ करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन दे देते हैं एंड यहाँ पे 1.0 ले लेते हैं, 1.0
0 अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो एंड 24 राइट क्रिएट कर दिया. सो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, जहाँ पे हम लोग को पब्लिक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना था. अभी हमें इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है. क्रिएट इंटरनेट गेटवे -VPC क्रिएट किया, क्लोज. यहाँ पे देखिए इसका स्टेट क्या दिखा रहा है, डिटैच. अभी हमें इसको अटैच करना है, लेकिन अटैच किसके साथ करना है, VPC के साथ. एक्शन पे जाएंगे, अटैच टू VPC, VPC को सिलेक्ट करेंगे. ये है ऑप्शन VPC को सिलेक्ट करने की. उसके बाद हम क्लिक कर देंगे अटैच, तो हमारा जो इंटरनेट गेटवे VPC के साथ अटैच हो जाएगा. उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है राउट टेबल क्रिएट करना है. ठीक है, राउट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, बाय डिफॉल्ट तो बना है, लेकिन हमें अभी हमें दो राउट टेबल बनाने हैं. एक बनाना है पब्लिक रूट, पब्लिक राउट. VPC को चूज करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, क्लोज. क्रिएट बनाना है अभी प्राइवेट, क्रिएट करना अभी हमें प्राइवेट रूट. प्राइवेट किया, VPC को चूज करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं. अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अभी हमें यहाँ पे रूट मतलब सबनेट एसोसिएट करने हैं एंड रूट प्रोवाइड करना है. तो सबसे पहले पब्लिक पे जाते हैं, यहाँ पे हमें सबनेट पे जाना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन. यहाँ पे आपको लेना है, देखिए हमें यहाँ पे दो है, प्राइवेट और पब्लिक. अभी हमें किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, पब्लिक से, तो पब्लिक को चूज करना है एंड क्लिक कर देना है सेव पे. अभी सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, रूट टेबल. तो अभी हमें एडिट करना, बाय डिफॉल्ट एक एंट्री है. अभी हमें क्या करना है, एक और करना है, ऐड यहाँ पे दे देना है 0.0. ये वाला, एंड यहाँ पे हमें देना है इंटरनेट गेटवे. तो जो इंटरनेट गेटवे आपने क्रिएट किया है उसको आप सिलेक्ट करो. आपको आप जैसे ही चूज करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट कर देना है सिंपली एंड सेव कर देना है आपको रूट. तो आपका जो पब्लिक रूट टेबल है वो कंप्लीट हो गया. वहाँ पे हमने सबनेट भी एसोसिएट कर दिया, प्लस हम लोगों ने वहाँ पे रूट टेबल भी कर दिया, एंट्री कर दिया. अभी हमें करना है प्राइवेट को, देन सिंपली अगेन वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. सबनेट एसोसिएशन हमें क्लिक करना है, एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्राइवेट एंड उसको क्लिक कर देना है सेव. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें रूट एडिट नहीं करना है. क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों हमें नहीं करना है. हम रूट एडिट करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है. सो अभी हमारा जो बेसिक काम था VPC का वो हो गया, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, अब हम EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे. हम अभी हम जाएंगे कंप्यूट में, EC2 पे. अभी हम दो EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट में, एक प्राइवेट सबनेट में. सो स्क्रॉल कीजिए, अभी देखेंगे, क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टांस. ओके फ्री. अभी हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, लिनक्स का. ओके नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या लेना है, अपना VPC यहाँ पे प्राइवेट ले लेते हैं, ठीक है. प्राइवेट सिलेक्ट हुआ तो प्राइवेट ले लेते हैं, एंड इसको आपको डिसेबल रखना है. जब आपका प्राइवेट रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहेगा, आपको इसको डिसेबल इनेबल नहीं करना है, डिसेबल ही रखना है. उसके बाद ऐड स्टोरेज नेक्स्ट, ठीक है. सिक्योरिटी ग्रुप ऐड टैग्स हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे कस्टम की जगह पे एनीवेयर कर दीजिए सिक्योरिटी ग्रुप में, एंड रिव्यू एंड लॉन्च, एंड लॉन्च पे क्लिक कर दीजिए. एंड आई एम चूजिंग द एग्जिस्टिंग की पेयर, सो दैट इज़ द डेमो की, उसको हम क्लिक कर लेते हैं एंड हम इंस्टांस को लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है. सो एक इंस्टांस हमारा क्रिएट हो गया, दैट इज प्राइवेट EC2, ठीक है. उसके बाद हम एक और इंस्टांस और लॉन्च करते हैं, क्लिक ऑन फिट टियर, सिलेक्ट इंस्टांस टाइप हम ले रहे हैं T2 माइक्रो, क्लिक ऑन कॉन्फिगर इंस्टांस डिटेल. सो यहाँ पे हमें चेंजेस करना है VPC जो हमने क्रिएट किया, वो प्राइवेट का हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया, तो सबनेट में हम ले लेते हैं अभी पब्लिक सबनेट. एंड यहाँ पे आपको देना है इनेबल, यहाँ पे आपको डिसेबल नहीं रखना है, यहाँ पे हमें इनेबल रखना है. रेस्ट हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है. नाउ क्लिक ऑन ऐड स्टोरेज, यहाँ पे
आपको स्टोरेज में भी कुछ चेंजेस नहीं करना है. ऐड वी आर नॉट गोइंग टू डू ऐड द टैग्स. सो यहाँ पे नेक्स्ट है सिक्योरिटी. यहाँ पे आपको एनीवेयर कर देना है. उसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन यू कैन डू द रिव्यू ऑफ योर इंस्टेंस एंड सिंपली आप मैं डेमो की यूज़ करूँगी लॉन्च. सो हमारे जो दोनों इंस्टेंसेस हैं अब ये कौन सा है पब्लिक हाइफन ईसी टू. ठीक है हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया. दोनों इंस्टेंस यहाँ पे देखिए इसको पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो गया. ओके सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइवेट इंस्टेंस में वहाँ पे आपको आईपी उसको नहीं एक्सेस हुआ है अलोकेट हुआ है. सो देखते हैं. ठीक है सो अभी हम पब्लिक इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू पुटी. सो उसके लिए आप इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लीजिए. ठीक है सो लेट मी रिफ्रेश दिस. ओके सो वी हैव टू गो टू पुटी. पुटी में जाते हैं यहाँ पे डाल देते हैं ईसी टू हाइफन यूजर एट द रेट एंड वो आईपी. उसके बाद हमें जाना एसएसएच ऑथेंटिकेशन ब्राउज एंड डेमो की एंड ओपन. यस सो ये है हमारा पब्लिक ईसी टू इंस्टेंस. ठीक है अभी हम इसको पिंग करके देखते हैं कि इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है. सो यस इट्स कम्युनिकेट विद द इंटरनेट. अभी हमें क्या करना है अभी हमें यहाँ से अपना प्राइवेट जो इंस्टेंस क्रिएट किया था उसे हमें रिमोट लेना है एंड यहाँ से हम चेक करेंगे कि अगर हम कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको पब्लिक आईपी असाइन नहीं हुआ है. तो अभी हम ये इंस्टेंस के थ्रू उसे एक्सेस करेंगे देन यहाँ से हम चेक करेंगे कि वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं. अगर नहीं होगा तो हम देखते हैं कैसे उसे कनेक्ट करना है. सो सबसे पहले तो हमें उसका फाइल चाहिए. सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा विंडोज ई. ओके डेस्कटॉप पे फाइल रहेगी दैट इज द डेमो की. सो इसके लिए आपको पेम फाइल रहेगा एडिट कर लो. तो हमें इसको कॉपी करना है क्योंकि ये फाइल जो है दैट इज द पेम फाइल वो हमें वो जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसको एक्सेस करने के लिए ये हमें फाइल जो है वो हमारे जो पब्लिक इंस्टेंस है वहाँ पे चाहिए. तो हमें कॉपी करना पड़ेगा. सो देखते हैं कि हम उसको कॉपी करते हैं कि नहीं. तो था डेमो की डॉट पेम. आपको सेम नाम सेम एक्सटेंशन वहाँ पे देना पड़ेगा. यहाँ पे हम देखते हैं उसको पेस्ट करके. ओके सो फाइन सो हमारा पेस्ट हो गया. इसको हमें सेव करते हैं कंट्रोल ओ एंड द नेम इज़ डेमो की डॉट पेम. एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं नाम दैट इज़ डेमो की. ओके सो डेमो की डॉट पेम एंटर कंट्रोल एक्स. तो हमारा फाइल जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया. ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है अभी हम ये जो हमारा इंस्टांस है प्राइवेट वाला इसको कनेक्ट करेंगे. इसका हम आईपी कॉपी कर लेते हैं. अभी हमें क्या करना है एसएसएच ईसी टू हाइफन यूज़र एट द रेट वो जो आईपी है वो यहाँ पे देना है एंड हाइफन आई वो की दैट इज डेमो की डॉट पेम. एंड पूछ रहा है कि आपको एक्सेस करना है तो यस इट्स गिविंग द परमिशन डिनाय सी एच मोड प्लस आर डब्ल्यू एक्स सब परमिशन दे देते हैं इसको डेमो. ठीक है सो लेट्स ट्राई अगेन इट्स शोइंग परमिशन डिनाइड सुडो एस यू एस एस एच ई सी टू हाइफन यूजर एट द रेट उसके बाद हाइफन आई डेमो की डॉट पेम. यस ओके सो नाउ इट्स वी सक्सेसफुली
हम लोगों ने जो हमारा प्राइवेट इंस्टांस था उसको हम लोगों ने पब्लिक इंस्टांस पे SSH के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया सक्सेसफुली. ओके सो अभी हम देखते हैं कि इंटरनेट से ये कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इसको हम लोगों ने ओके सी इट्स नॉट कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनेट. सो अभी हमें ये देखना है कि इंटरनेट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा. सो उसके लिए हमें हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है VPC पे. एंड नाउ कॉन्सेप्ट आता है नेट गेटवे का. यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अभी नेट गेटवे क्रिएट करना है. तो नेट गेटवे के थ्रू ये हमारा जो प्राइवेट इंस्टांस है ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करेगा. तो अभी हमें जाना है नेट गेटवे पे. अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेट गेटवे और यहाँ पे जो डिटेल्स है वो हम फिल करेंगे. तो सबसे पहले है सबनेट. सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है. आप ये मत सोचिए कि ये प्राइवेट इंस्टांस के लिए तो हमें प्राइवेट सबनेट चूज करना है. नहीं, जो हमारा नेट गेटवे है वो हम पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट करते हैं. अगर आपको वो सिनेरियो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे पब्लिक सबनेट पे रहेगा. एंड सेकंड स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे इलास्टिक IP की ज़रूरत है. तो यहाँ पे इसको IP एलोकेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको IP एलोकेट हो जाएगा. एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है. उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा जो राउट टेबल है उसको एडिट करना है. ठीक है, अभी जाना है हमें प्राइवेट. प्राइवेट पे जाने के बाद यहाँ पे है राउट, इसके अंदर हमें जाना है एडिट, ऐड करना है. तो दैट इज 0.0. वो आ गया सिलेक्ट. यहाँ पे हमें लेना है नेट गेटवे. एंड जो नेट गेटवे हम लोगों ने क्रिएट किया वो चूज कर लेना एंड क्लिक कर देना सेव रूट एंड क्लोज. एंड जैसे ही हमारा नेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा, नाउ द स्टेटस इज पेंडिंग. वैसे ही हमारा वो प्राइवेट जो इंस्टांस है वो कम्युनिकेट करने लगेगा इंटरनेट से. सो अभी तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. सो इट टेक्स टाइम. सो लेट्स वेट. सी आर इंस्टांस इज कम्युनिकेटिंग टू द इंटरनेट. सो फाइनली हमारा जो प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट हो गया. हमारा पब्लिक सॉरी प्राइवेट इंस्टांस भी कम्युनिकेट कर रहा है टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द नेट गेटवे. तो यही हमारा सिनेरियो था जो मैं आपको दिखा रही थी इनिशियली, कि हमने कैसे फर्स्ट VPC क्रिएट किया. VPC क्रिएट किया करने के बाद हम लोगों ने दो सबनेट बनाए, प्राइवेट एंड पब्लिक. यही सेम मैंने IPs दिए थे, प्राइवेट IP. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे बनाया. एंड जो इंटरनेट गेटवे बनाया वो सिर्फ हम लोगों ने पब्लिक IP के पब्लिक सबनेट के ही कस्टम रूट टेबल में हम लोगों ने वहाँ पे उसको कनेक्ट किया. उसके बाद जो था हमारा प्राइवेट सबनेट, उसके जो हम लोगों ने सिर्फ सबनेट एसोसिएट किया बट रूट टेबल में इंटरनेट गेटवे का एंट्री नहीं किया, क्यों, उसके बाद वो भी मैं आपको बताती हूँ. उसके बाद हम लोगों ने EC2 इंस्टांस बनाए, एक बनाया विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सबनेट, उसके बाद एक बनाया प्राइवेट सबनेट से. फिर हम लोगों ने पब्लिक सबनेट में जो EC2 इंस्टांस क्रिएट किया था उसको एक्सेस किया. उसको एक्सेस करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया उसका कनेक्टिविटी, वो सक्सेसफुल था. फिर हम लोगों ने उसको रिमोटली एक्सेस किया पब्लिक सबनेट को. एंड उसके लिए हम लोगों ने पहले उसका PEM फाइल वहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद उसको एक्सेस किया. एंड फिर हम लोगों ने देखा कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इंटरनेट से. फिर उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक नेट गेटवे क्रिएट किया. ओके सो नेट गेटवे जैसे ही हम लोगों ने क्रिएट किया, और यहाँ पे देखिए नेट गेटवे कहाँ पे है, पब्लिक सबनेट के अंदर. ठीक है, सो फिर वहाँ से उसका कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो गया. एंड जैसे ही हम लोगों ने नेट गेटवे किया, उसके टेबल में भी हम लोगों ने नेट गेटवे का ID रूट मतलब प्राइवेट रूट टेबल में हम लोगों ने
एक एंट्री किया, दैट इज़ नैट गेटवे आईडी ऐड किया. सो इस तरह से हमारा जो EC2 प्राइवेट इंस्टांस था वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करने लगा. सो ये था हमारा आज का सेशन, दैट इज़ VPC इन नैट गेटवे. अगर कुछ भी क्वेरी आता है आपको ये लैब के टाइम पे, तो आप पूछ सकते हैं अपना क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो थैंक यू गाइज एंड रब रखा.